अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफा बुरका पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना होश मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख मांगने आपको साथ नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने के कमजोरों को पैगाम दिया, अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में एतमाद है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर, हम चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सालिम था, सालिम था हमारे साथ, यही संबल का नौजवान, 6.5 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई। अब ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था गोडसे की नाजायज मालूम था, पुलिस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सफा में जब अब्दुल्ला इब्ने सबा के जानशीन है, वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है, तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो।